हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब रब का बड़ा करम है, पाक परवरदिगार का। और बस यहाँ पे मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी और सुबह का नाश्ता हो रहा था, और साथ साथ देखा जा रहा था तारक मेहता, जो हमारे चलता है भाई, अब क्या करें। अच्छा, आज आप लोग को मेरी आवाज़ भी जो है ना थोड़ी चेंज लग गई होगी, क्योंकि मैं आज सुबह मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। मरियम को उठाने के लिए लेटी थी, तो मैंने कहा व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ, आज व्लॉग डालना है लाजमी, तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी भारी भारी फील आप लोग को हो रही होगी। तो बस यहाँ पर जो है मैं घर के कामों से फ्री हो चुकी थी। आज मैंने घर का काम भी जल्दी कर लिया था, आज मेरा नाश्ता भी जल्दी हो गया था, और सब काम बड़ी जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी से हो रहे थे, और काफ़ी टाइम मुझे दिन में मिल गया था। और बस मरियम स्कूल से जब आ गई थी, तो बस उसके बाद मैंने फिर खाना रेडी करने में लग गई। और फिर आज हमारे बन रही थी बिरयानी। मरियम की फरमाइश आई थी सुबह स्कूल जाते हुए, बोल के गई थी कि लंच में आज बिरयानी लेनी है, खानी है भाई, तो इसलिए बस अब मैं बिरयानी रेडी कर रही थी। ये मैं बनाई थी वेव बिरयानी। अच्छा, इसके रेसिपी बिल्कुल भी शूट नहीं की, बिल्कुल मैं घर में अकेली थी, वलिया मेरे साथ थी। और जी, वलिया जब मेरे साथ होती है तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती, पॉसिबल ही नहीं है वलिया के साथ वीडियो शूट करना, क्योंकि वो मुझे उससे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। वो मम्मा गर्ल है, वो मेरे साथ साथ ही रहती है, जहाँ मम्मा है वहाँ वलिया है। और बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लंच रेडी कर रही थी, क्योंकि आज नाश्ता भी सुबह जल्दी हो गया था, रूटीन स्टार्ट के सारा काम हो रहा था मेरा, तो इस वजह से बस मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और वैसे भी खाने से फ्री होने के बाद, बच्चों को खाना देने के बाद मुझे जाना है कहीं, तो इंशाल्लाह देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ की भी वीडियो शूट करके आपको लाजमी दिखाऊँगी। और बस यहाँ पर बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी, और बस अब लगा रही थी खाना कि बस जल्दी से खाना खाएँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बिरयानी बनी थी, और बस कोशिश में हूँ कि जल्दी से अपना चैनल में बनाऊँ और फिर आप लोगों के साथ ये सब रेसिपी शेयर करूँ। अभी मरियम के चैनल पे मैं नहीं कर पाती, और बस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना है कहीं, और बस यहीं आना था मुझे हॉस्पिटल, और यहाँ पे एडमिट है मेरी जिठानी सबसे बड़ी वाली। बस अचानक उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई सुबह, और अचानक उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे पाक परवरदिगार। और बस अल्लाह से यही दुआ है पाक परवरदिगार भाभी को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे, तंदुरुस्ती वाली, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी, रब की साथ बहुत बढ़िया। और आजकल वैसे ही डेंगू का इतना वायरल चल रहा है कि बस क्या करें, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और यही वायरल फीवर मेरी अपनी अम्मी को भी हुआ हुआ है, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। टेस्ट वगैरह उनके डेंगू तो नहीं आया, लेकिन क्या कहते हैं ना, फीवर उन्हें बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, गला बहुत ज़्यादा उनका ख़राब है, तो बस उसकी सब ट्रीटमेंट चल रही है, नेबुलाइज चल रहा है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत, तंदुरुस्ती दे पाक परवरदिगार। और बस अब मैं घर पहुंच चुकी थी, जब घर वापस आई तो मरियम अपनी डायरी कंप्लीट कर रही थी, और मरियम पास बैठी हुई जो बलिया सॉरी बलिया पास बैठी हुई जो उन्हें तंग कर रही होती है कि आपो मुझे ये कलर दे दो, आपो मुझे ऑरेंज कलर दे दो, मुझे पिंक कलर दे दो, मुझे ड्राइंग करनी है। तो बस वो मरियम को डिस्टर्ब कर रही थी। दोनों बहनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, इनकी बातें जब ये करती हैं ना, कभी मैं किसी दिन रिकॉर्ड करूँगी और आप लोग सुनिएगा, इनकी बातें बहुत क्यूट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं बलिया और मरियम की बातें। तो बस स्टार्ट हो गया था न्यू डे, और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे मैं गई थी शॉपिंग पे, तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग पे गई थी, वलीहा मेरे साथ आई थी, मरियम और मीरा जो है वो नहीं आई थी, दोनों घर पे रुकी थी। आज हम शॉपिंग पे जल्दी आ गए थे, दोपहर में तकरीबन 3-3:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे मॉल, और ताकि जल्दी जाएँ और जल्दी वापस आएँगे वाला काम हमने किया था, लेकिन फिर भी टाइम लग गया हम लोगों को, और लग जाता है टाइम जब हम शॉपिंग पे जाते हैं। बेशक हम थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए जाएं कि नहीं बस हमने ये सिलेक्टेड सामान लेना है और ये लेके हमने घर वापस आना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब आप किसी खास इवेंट के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ आपके घर में फंक्शन आ रहा है या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन आपके घर में आ रही है जिसकी आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें तो मज़ीद टाइम लगता है और मज़ा भी आता है शॉपिंग करने में। चलिए वली वली आ जाओ वली, नो जी वलिया भी है। हाय नो बली नो चलिए आप आ जाइए
नो। और बस ये जो आप अल्फाज सुन रहे हैं, वलिया नो, वलिया नहीं करो, वलिया इधर आ जाओ, ये मेरे पास मेरे रहते हैं ज़बान पे। जब मैं शॉपिंग पे वलिया को लेके जाती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घुसती रहती है और मैं उसे पकड़ती रहती हूँ। और बस फिर अब हम लोग आ गए थे दूसरी शॉप पर। और ये अच्छी लग रही है आपको? वली नो, इधर आइए। और आज की बस शॉपिंग जो थी वो हमारी बस कंप्लीट होने वाली थी। थोड़ा बहुत सामान रह गया था, बस उसे भी कंप्लीट करना था। और बस यहाँ पे जो शॉपिंग जो है वो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे जो है बस पेमेंट कर रहे हैं, ड्रेस ले लिए हैं। और आज की शॉपिंग ने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर जो है वो वलिया पे काफ़ी हंस रहे थे कि जिस दुकान में जाती है अपना डाइनिंग टेबल लगा कर बैठ जाती हो। इसका है ये, जिस शॉप पर जाएगी इसको फिटर भी चाहिए, इसको वहाँ पे खाने के लिए कोई चीज़ भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए। हम कहते हैं कि आपके यहाँ पे गेस्ट चाहिए मेरी वलिया। और वह सब बाहर आ गए थे और वलिया के लिए मैंने लिया था जूस। नहीं, पहले आप बोलिए हाय गाइस, आई एम वलिया लोधी। हाय गाइस, आज के बर्थडे है। की बर्थडे? चलो एक बनाते। नो नो मामा की नो। और बस अब जा रहे थे घर। शॉपिंग वैसे सब फ्री हो चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ मॉल के बाहर एक अंडे वाला बर्गर मिलता है जो बहुत मज़े का होता है, तो बस वो हम लोगों ने खाया, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय की। और अब हम लोग जा रहे थे बस घर वापस। और जाते जाते बिल्कुल अचानक प्लान बना के जी, यहाँ करीबी हमारे रिलेटिव रहते हैं, उनके घर काफ़ी दिन हो गए नहीं गए, तो चले शाम ही हैं, अभी चलते हैं थोड़ी देर उनके घर। ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि जी वापसी में हमने इनके घर जाना है, बस अचानक प्रोग्राम बना हमारा और बस फिर चले गए। और बस ये पहुंच गए हम लोग उनके घर और बहुत ज़्यादा वो लोग भी खुश हुए, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। और बस यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा है, ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बच से बचाए मोटू। मुझे ऐसे हेल्दी हेल्दी बच्चे बड़े पसंद हैं, मेरा दिल करता है बस उनके गाल में नोचती रहूँ। और बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।